100 रुपीज। और मैं आज करने वाली हूँ, ये रहा हमारी कचौड़ी और इसमें है छोला। अभी मेरे पास बचे हैं ओनली 68 रुपीज और हो गया है लंच टाइम। यार ये हो गया ऊँट के मुंह में जीरे का फोरन, 10 का 3 बटर मार के लगाते हैं। भैया हमको एक नान और पनीर का सब्जी दीजिएगा। एकदम मक्खन में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया गया है। एक एक लोकेशन ढूंढा कि कहाँ कहाँ सस्ता खाने को मिलता है, पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ पूजा और आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ चैलेंज। तो ये है मेरे पास 100 रुपीज और मैं आज करने वाली हूँ 100 रुपीज चैलेंज, जिसमें मैं सुबह शाम दोपहर रात सारा कुछ मैं ये 100 रुपये में ही खाऊंगी। जानती हूँ बजट थोड़ा कम है, लेकिन ये पटना है, पटना यहाँ पे सस्ता से लेके महंगा तक सब चीज़ मिलता है। तो आज हम लोग 100 रुपीज़ में देखते हैं क्या क्या खा पाते हैं। सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मैं हूँ गांधी मैदान कुमान भवन के पास और यहाँ मिलता है बहुत बहुत ही स्वादिष्ट सत्तू। और गर्मी में सत्तू से बेस्ट क्या ही हो सकता था, और वो भी मेरे बजट में आ जाएगा ऑनली 12 रुपया का गिलास। तो चलते हैं फटाफट सत्तू पीने। तो हम लोग सत्तू से शुरुआत कर रहे हैं और ये ऑनली 12 रुपये गिलास है। इसमें सत्तू रहता है, पुदीना प्याज सब डाला हुआ, और ये पीने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो सत्तू पीने के बाद आई हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, और मैं आई हूँ 56 रोड में। यहाँ पे कचौड़ी और सब्ज़ी मिलता है और यहाँ का सब्ज़ी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहता है और मात्र 12 रुपया में मिलता है एक कचौड़ी। तो एक कचौड़ी मेरे लिए काफ़ी है ब्रेकफास्ट के लिए, तो चलते हैं कचौड़ी लेने। तो ये मैं कचौड़ी का एक टोकन ले ली हूँ। ये रहा हमारी कचौड़ी और इसमें है छोला, छोला वाला सब्ज़ी 12 रुपया में मिलता है छोला वाला सब्जी, यहाँ मिलता है 56 रुपये। बहुत ज़्यादा। अभी मेरे पास बचे हैं ओनली 68 रुपीज़ और हो गया है लंच टाइम। और मैगी के जस्ट सामने मिलता है 15 रुपया थाली। हाँ आप लोग सही सुन रहे हैं, ओनली 15 रुपया थाली। और लंच में इससे बेस्ट क्या हो सकता है, दाल चावल सारे कुछ मिलते हैं। तो हम भी कभी खाए नहीं है, तो चलते हैं खाने। तो वहाँ देखिए मेनू लगा हुआ है और आज है रविवार, तो रविवार को मिलता है चावल दाल सब्जी भुजिया अचार चटनी। तो फटाफट हम लोग टोकन ले लेते हैं, वहाँ से हम लोग को टोकन मिलेगा। टोकन 15 रुपये का ग्रीन टोकन है, और भी है नॉन वेज वगैरह, लेकिन मेरे बजट में अभी यही आने वाला है। सब्जी, ये देखो प्याज भी भैया ने दिया है, और ये है भुजिया और ये है चिप्स। टेस्ट बिल्कुल घर के खाना की तरह है, मतलब हम सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा खाना होगा, लेकिन सच में टेस्ट एकदम घर की तरह है, बहुत अच्छा है। 15 रुपये में इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता।
अभी शाम का वक्त है और मैं आ गई हूँ बोर्डिंग रोड चौराहा, क्योंकि मुझे खाने थे स्नैक्स और उसके लिए मात्र बचे हैं मेरे पास 61 रुपीज़, और इसी में मुझे खाना है। और जब बजट का बात हो तो गोलगप्पा ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो पहले मैं गोलगप्पा खा लेती हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी कि और क्या खाना है। तो पहले चलते हैं गोलगप्पे वाले भैया के पास। ऐसे तो 20 का 6 गोलगप्पा है, लेकिन भैया को मैं बोली हूँ 10 का खिलाने का, तो फटाफट हम 10 का गोलगप्पा खाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि और क्या खाना है। यार ये हो गया ऊँट के मुंह में जीरे का फोरन, 10 का 3 गोलगप्पा, मेरा तो मन ही नहीं भरा, ज़्यादा गोलगप्पा तो नहीं खा पाई हूँ, तो ये पानी पी के मन भर लेता। पानी पूरी तो खा लिए, अब हम लोग चलते हैं मोमोज खाने का, क्योंकि मोमोज मेरा फेवरेट है, मोमोज ना खाए तो मेरा मन ही नहीं भरता, तो चलते हैं हम लोग मोमोज। तो मैं आ गई हूँ मोमोज खाने और आप देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है मोमोज वाले के पास। यार पहले 15 रुपये का मोमो था, 5 रुपये बढ़ गया है, लेकिन मैं जब मन बना लेती हूँ ना किसी चीज़ का तो फिर मैं रुकती नहीं हूँ, तो पहले 20 का मोमोज खा लेते हैं, उसके बाद बाद का बात देखा जाएगा। इतना भीड़ होने के बावजूद भी आ गया है मेरा गर्मा गर्म मोमोज, और ये मेरे फेवरेट है वेज मोमोज मैंने लिया है, और बस यही पॉकेट फ्रेंडली भी आ रहा था, तो ये गर्मा गर्म मोमोज मेरे लिए। यार इसकी चटनी तो बहुत बहुत मज़ेदार है, और इसके साथ मुझे मेयोनीज भी मिला है। तो रात के डिनर के लिए मैं आई हूँ राजापुर, राजापुर के पास ये स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ ओनली 20 रुपये में मिलने वाला है नान, या फिर उसके साथ आप छोला ले लो या पनीर ले लो, अगर आप कोई भी सब्जी लेते हो तो मात्र 20 रुपये में पड़ेगा। फिर छोले भटूरे भी है 20 में, लेकिन मैं खाऊंगी नान और पनीर। और ये देखो भैया पूरा उसमें बटर मार के लगाते हैं, भैया हमको एक नान और पनीर का सब्जी दीजिएगा। आज तो यार डिनर में मज़ा ही आ गया नान और पनीर खाऊंगी मैं। ओह माय गॉड ये देखो देखो यार बटर, और इसमें दम मक्खन में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया गया है, और ये प्याज अचार, और ये पता है ये दोनों सब्जी 20 रुपये में था, मुझे सुनने में कंफ्यूजन हो गया था कि कोई एक सब्जी मिलेगा, और मैं तो बहुत मतलब इसको खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो सबसे पहले तो मैं खाया जाए और दम गर्मा गर्म है। पहले मैं इसे ट्राई करूँगी पनीर के सब्जी के साथ, ये रहा मज़ा आ गया खाने में, टेस्ट भी बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नान के अंदर भी देखो स्टफिंग किया हुआ है, प्याज है और पता नहीं कुछ मसाले वसाले हैं, धनिया का पत्ती है, नान काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है, बहुत 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 ज़्यादा यम्मी लग रहा है खाने में। तो खाना पीना तो हो गया है, और खाना खाओ और लास्ट में मीठा ना खाओ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फाइनली मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं सस्ता मिल जाए मिठाई या कुछ भी, तो मैं ढूंढते ढूंढते आ गई हूँ पटना का राजा बाजार, और वहाँ पर मुझे मिला है 6 रुपये पीस गुलाब जामुन, और लेकिन मेरे पास बचे हैं मात्र 11 रुपये, तो मैं 2 गुलाब जामुन लूँगी और भैया से रिक्वेस्ट करूँगी कि 1 रुपया छोड़ देने के लिए। तो चलते हैं गुलाब जामुन खाने। तो ये लास्ट गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिल गए मुझे 11 रुपये में, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसको खाते हैं। बिल्कुल मुंह में घुलने वाला गुलाब जामुन है, और बहुत खुशी हो रही है इसको खाकर, और ये भी अच्छा लग रहा है कि मेरा चैलेंज बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है, और लास्ट में तो मज़ा ही आ गया यार। तो आज का ये 100 रुपीज़ चैलेंज वीडियो मैंने कर लिया है कंप्लीट, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि 100
था, लेकिन कभी ऐसे कैलकुलेट करके नहीं खाया, लेकिन आज मुझे बड़ा मजा आया। एक एक लोकेशन ढूंढा कि कहाँ कहाँ सस्ता खाने को मिलता है, पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। तो मतलब मुझे पता भी चल गया कि पटना में इतने सस्ते खाने भी मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।